हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। आज हम मलाई केसर पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे, एकदम शानदार बनेगा। ये बर्फी का जैसा ही टेस्ट आएगा और बनाना तो एकदम आसान है। आइए हम पेड़ा बनाना शुरू करते हैं। मलाई केसर पेड़ा बनाने के लिए मैंने 1.5 कप भरकर मिल्क पाउडर लिया है। ये हम मिल्क पाउडर से बनाकर तैयार करेंगे तो फटाफट से बन जाएगा और टेस्ट भी इसका अच्छा आएगा। 1 कप भरकर मैंने दूध लिया है। दूध को मैंने पहले से गर्म कर लिया है और अब ये रूम टेम्परेचर पर है। पिसी हुई चीनी लिए 1 कप और हमें यहाँ 1/2 कप ताजे दूध की मलाई लेनी है। केसर लिए 8 से 10 धागे। अगर आप केसर नहीं डाले तो इलायची डाल दे, और अगर मलाई की जगह आप इसमें 2 बड़े चम्मच भरकर देसी घी भी डाल सकते हैं। केसर में मैंने 2 टीस्पून भरकर इसमें गर्म दूध डाल दिया है। इसमें हम गर्म दूध में भिगो कर रखेंगे, इतने कलर छोड़ देगी। अब हम गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे जो हमने मलाई लिए। सबसे पहले हम मलाई डालेंगे और मलाई को हम अच्छे से पिघलने देंगे। मलाई को चलाते रहेंगे हम लगातार, अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। मलाई हमारी पूरी तरह मेल्ट हो चुकी है। अब हम गैस को बंद करेंगे और जो हमने मिल्क लिया था वो इसमें डाल देंगे। मलाई के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध के साथ हमें मलाई को डालना है जब हम गैस को बंद कर देंगे, नहीं तो हमारा दूध है जो भी गर्म हो जाएगा। अब दूध ठंडा ही है, एकदम गुनगुना सा, हल्का सा है। अब जो मिल्क पाउडर लिया था वो इसमें डाल देंगे और लगातार चलाते हुए इसको हम मिलाएंगे। गैस को तो हम बंद ही रखेंगे, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे, और लगातार चलाते हुए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लम्स फ्री बनाकर हम एकदम तैयार करेंगे। पूरा मिल्क पाउडर दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस को मीडियम रखेंगे और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि 2 की तरफ ना हो जाए। ये मिल्क पाउडर और दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें जो केसर में भिगो कर रखी थी हमने दूध में, वो डाल देंगे और लगातार हम इसको चलाते रहेंगे। इस स्टेज पर आप इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं अगर केसर नहीं डाल रहे हैं तो। इसको भी हम अच्छे से लगातार चलाते रहेंगे। मिक्सचर हमारा पूरी तरह गाढ़ा हो चुका है, बस हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। सारे मिक्सचर को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पर। मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है, अब एकदम मावे की जैसे ही लग रहा है देखने में, और फटाफट से मावा बनकर तैयार हुआ है ये। अब जो हमने पिसी हुई चीनी ली थी वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे, और चीनी हमें एकदम ठंडा होने के बाद ही मिक्स करनी है। अगर हम गर्म में मिक्स करेंगे तो चीनी पानी छोड़ देती है, पेड़ा सेप अच्छे से नहीं ले पाएगा। चीनी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा मीठा खाना पसंद है तो चीनी की मात्रा बढ़ा दें। चीनी को हमने मावे के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने हाथों के ऊपर देसी घी लगाएंगे। घी लगाने से हमारे हाथों पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, और इसको हम एक समान बनाने के लिए हम 1 चम्मच लेंगे। आप छोटी बड़ी कोई सी भी चम्मच सेट कर सकते हैं। चम्मच में जितना भी हम बड़ा साइज या छोटा साइज बनाना चाहते हैं उतना हम इसमें डो भरेंगे, और इसको हम पेड़े की शेप दे देंगे। आप चाहे छोटा बड़ा कोई भी आकार बना सकते हैं, एकदम आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे। अब हम एक प्लेट में रख देंगे, फिर से हम उतना ही डो लेंगे और इसको हम गोल गोल घुमाएंगे। थोड़ा सा दबाव देते हुए इसको चपटा कर लेंगे। बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी बचे पेड़े भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। सारे पेड़े को हमने सेक दे दिया है। यहाँ मैंने ताजा गुलाब के फूल लिए थे, उसकी पंखुड़ी अलग कर लिए। अब इससे हम पेड़े को गार्निश करेंगे। ये देखने में बहुत सुंदर हो जाएंगे और खाने में तो ये टेस्टी है ही। ये पेड़े आप भी आसानी से बना सकते हैं, टाइम तो इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता, ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं होती। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।